हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूं गोवर्धन। आप देख रहे हैं गोवर्धन गेमर। आज का वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पे होने वाला है। अभी तक मैंने इस टॉपिक पे या इसी टॉपिक पे कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर गेम में हो रही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, अपडेट वगैरह के बारे में सब बताएंगे। हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि हर एक फ्री फायर प्लेयर को आ रही है। फर्स्ट प्रॉब्लम है गन की स्किन को लेके। तो यार आप बताओ गन की स्किन क्यों होती है? ताकि आपकी गन अदर प्लेयर से अच्छी दिखे, अलग दिखे, थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। बट इस फ्री फायर गेम के अंदर गन की स्किन का मतलब है कि आप अपने एनिमी को ज़्यादा डैमेज दे सकें। पर आपके पास एक ही है और उसके पास भी एक ही है, बट उसके पास स्किन है एक ही, तो ऑब्वियसली आप जल्दी मरोगे, यानी कि आपको ज़्यादा डैमेज मिलेगा। तो यार आप बताओ ये सीन, मतलब ये जो गन की स्किन वाला सीन है, ये आपको कैसा लगता है? यार आप लोग ही सोचो कि मतलब अपने बड़े बड़े यूट्यूबर, जो गेमिंग कम्युनिटी के बड़े बड़े यूट्यूबर, जैसे उन्होंने कभी फ्री फायर नहीं खेला होगा। आपको भी पता है रोनी हो गया, ट्रिगर्ड इंसान हो गया, तन्मय भट्ट हो गया, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने फ्री फायर खेला है और लाइव खेला है, ऑफलाइन भी खेलते होंगे, बट किसी ने भी कंटिन्यू नहीं किया। कंटिन्यू क्यों नहीं किया वो आपको भी पता है। यहाँ पे सीन है पे टू विन का, मतलब अगर आप गेम पे पैसा लगा रहे हो तो ऑब्वियसली आप, मतलब आपके पास स्किल नहीं है फिर भी आप जीतोगे, क्योंकि आपके पास गन की स्किन्स हो गई वगैरह वगैरह, आप बंदों को जल्दी मार सकते हो। तो यार आप अपना ओपिनियन बताओ इस स्किन के बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हैकर को लेके। भाई रैंक पुश करते टाइम, चाहे वो पबजी हो, फ्री फायर हो, हैकर सबको मिलते हैं। आपको भी कभी न कभी किसी न किसी रैंक मैच में या फिर रैंडम क्लासिक में भी हैकर तो मिला ही होगा। और पहले जब अपन फ्री फायर में किसी हैकर को रिपोर्ट करते थे तो उसकी आईडी नेक्स्ट अपडेट में या फिर किसी पेच में बैन कर देते थे, उसके बाद वो बंदा उस आईडी से नहीं खेल सकता। तो उससे बंदों को डर रहता है कि अगर मैं हैक करूँगा तो मेरी आईडी बैन हो जाएगी। बट दो या तीन बार बंदा एक ही डिवाइस से हैक कर रहे थे, उसका डिवाइस भी बैन कर दें, तो इससे बंदों में डर रहता है कि मेरा डिवाइस बैन हो जाएगा, इसलिए मैं हैक करके नहीं खेलूँ, बंदे सीधा खेलते हैं। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मतलब कितने ही प्लेयर आ रहे हैं, कितने ही हैकर आ रहे हैं आपको, मतलब लॉबी में ऐसे ऐसे हैकर मिलते हैं जो खुला एकदम, मतलब कुछ कुछ हैकर होते हैं जो छुपाते हैं कि हम हैकिंग कर रहे हैं, बट किसी को पता नहीं पड़े ऐसी हैकिंग, बट यहाँ दीवार के आर पार घुसे जा रहे हैं। कोई बंदा तो दिख भी नहीं रहा है, बिना दिखे फायर कर रहा है, बंदों को लोकेशन पता है आपकी, मतलब क्या ही बोलूँ अब। 90% हेडशॉट रेट वाले हैकर भी देखे मैंने। आप देखना, मतलब ये जो टॉप प्लेयर होते हैं इनमें से कुछ एक, सब नहीं कुछ एक, देखना टॉप पे हैकर बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब फ्री फायर इंडिया से चाहिए। अगर आप लोगों को भी कभी अपनी लॉबी में हैकर मिला है या फिर आप हैकर से मरे हो तो वो किस टाइप का हैकर था, हैकर से कभी मरे हो या नहीं, कमेंट में बताओ। लास्ट टॉपिक है अपना फ्री फायर इंडिया के एम्प्लॉइज। इस टॉपिक पे जीएसके ने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, मतलब उस बंदे ने आवाज़ उठाई है इस टॉपिक के अगेंस्ट कि ये क्या हो रहा है इस कम्युनिटी में, बंदे क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये सब क्या है ना कि अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है कि ये एक सबसे गंदा इशू या टॉपिक बोल सकते हैं अपन। बंदे मतलब करप्ट हो चुके हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा मतलब पैसा चाहिए। ना वो हैकर बैन कर रहे हैं, ना ऑडियंस की कोई बात सुन रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको बस पैसा चाहिए। और मतलब अब फ्री फायर कम्युनिटी के कुछ बड़े लोगों ने पार्टनरशिप कर रखी है जिसमें अपने
जो बंदे अपने सपोर्ट में होने चाहिए थे वो भी उनका ही साथ दे रहे हैं। तो यार इस टाइम इनके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, और मैं इस कम्युनिटी का मेंबर होने के नाते, मतलब गेमिंग कम्युनिटी है फ्री फायर इंडिया, हम भी गेम खेलते हैं, तो उसके नाते मैं जीएसके भाई के सपोर्ट में हूँ, फुल सपोर्ट है अपना। और आप मतलब सभी को उनका सपोर्ट करना चाहिए, उस बंदे ने आवाज़ उठाई है, अपने लिए उठाई है, अकेले किसी के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए। तो यार इस इशू पे बहुत कम लोग बोल रहे हैं, जीएसके ने बोला है, उसने हिम्मत करी है, आगे आया है बंदा, तो उसको अब मतलब सपोर्ट करो, उस बंदे का कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। और फ्री फायर कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, एक बहुत टाइम से चल रहा है ये गेम, इसके पबजी से भी ज़्यादा डाउनलोड से इस गेम के, आपको भी पता है कि क्यों ये गेम बदनाम है। तो यार अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। बाय।